के हरा होते ही, ट्रैफिक सिग्नल के हरा होते ही एक कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है। सिग्नल के हरा होते ही एक कार 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है। उसी क्षण एक ट्रक 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से कार को क्रॉस करता है, ठीक है। उसी क्षण एक ट्रक 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से कार को क्रॉस करता है, हो गया, ठीक है, कार को क्रॉस करता है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, क्या निकालना है, फर्स्ट लिखो यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर कार ट्रक को क्रॉस करेगी, यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर कार ट्रक को क्रॉस करेगी, ठीक है, कार ट्रक को क्रॉस करेगी। दूसरा पॉइंट लिखो, इस क्षण कार कितनी तेजी से चल रही है, इस क्षण कार कितनी तेजी से चल रही है, इस क्षण कार कितनी तेजी से चल रही है, हो गया। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक गाड़ी के लिए विस्थापन समय ग्राफ बनाइए, प्रत्येक गाड़ी के लिए विस्थापन समय ग्राफ बनाइए, ठीक है, हो गया। आपको पता कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें, सेकंड, क्या थी, S बराबर UT+1/AT2, ये थी, अब देखो यहाँ आपको पता है S दूरी, क्या फॉर्मूला है दूरी का चाल बटा समय, ये फॉर्मूला है, चाल का फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ये है समय, अब आपको यहाँ से S ये है और ये V है आपका और ये T है, अगर आप S की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या जाएगी, V क्रॉस T। अब यहाँ आपको पता है कि ये जो आपने दूरी निकालनी है वो चाल और समय के मल्टीप्लाई में है, और यहाँ आपको यू में कहाँ पे खड़े थे दोनों ट्रक या कार, कहाँ खड़े थे, हरे सिग्नल से पहले रुके हुए होंगे, है ना, जब हरा हुआ तब चले, तो इसका मतलब यू बराबर जीरो। तो एस बराबर आप यहाँ क्या रखोगे, वी क्रॉस टी इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई टी प्लस वन अपॉन टी ए टी स्क्वायर, तो यहाँ आपका क्या जाएगा, वी क्रॉस टी इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर हो गया, इसलिए एक टी यहाँ कट हो गया, तो यहाँ कितना जाएगा, 2V/A = T, ये आया। चाल क्या थी बताओ, दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या था, ये था त्वरण था, भाई त्वरण था या नहीं था, और चाल क्या थी 10 मीटर सेकंड। अब समय निकालना था तो यहाँ जाएगा 2 × 10/2
तो टाइम कितना आ गया? टेन। क्या? सेकेंड। ठीक है, अब ये आ गया। अब आपको क्या निकालना, दूसरा पॉइंट क्या बोला था इसमें? कितनी तेजी से चल रही है। लो, पहले तो उसे बताना था, मैं क्या बताना था, चाल बतानी है, दूरी बतानी, कितनी दूरी पे। अब आपको दूरी का फॉर्मूला पता है, एस बराबर वी क्रॉस टी। एस दूरी निकालनी, वी क्या है, वी थी चाल, और टाइम कितना आ गया, तो कितना 100 मीटर। ठीक है, एस बराबर 100 मीटर हो गया। सेकंड पॉइंट, सेकंड में क्या निकालना, मिश्रण। सेकंड पॉइंट में था कि इस क्षण कार कितनी तेजी से चल रही है। तो देखो इक्वेशन कितनी थी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये है। तो वी स्क्वायर ऐसे ही होगा, यू बराबर जीरो था आपका, टू ए एस वी आपको निकालनी है ना। तो अगर v निकालनी है, v square equal to 2 multiply a कितना था 2, और ये s कितना आया आपका, s 100। अब यहां से v निकाल दोगे तो अंडररूट आ गया 2 multiply 2, और यहां 10 multiply 10, आपको पता कि कितने एक जोड़ा हुआ है, v equal to कितना 20। यही आया। थर्ड पॉइंट में क्या था, और ये वी है मीटर पर चाल, क्या बनाना, चाल और समय ग्राफ, है ना, चाल और समय ग्राफ। तो ये या विस्थापन, समय और विस्थापन ग्राफ। ठीक है, समय विस्थापन ग्राफ एक कार का और एक ट्रक का। ये देख लो, यहाँ जब भी आप ग्राफ बनाओगे, यहाँ क्या होगा, दो एक्सिस होंगे, वाई और एक्स, कौन कौन से, एक्स और वाई, उल्टा नहीं, एक्स और वाई, यहाँ से दो एक्सिस होंगे। अब तुम्हें पता है जो ट्रक है वो ये गया और कार ऐसे जाएगी, क्रॉस करना ना, यहाँ से ये ओरिजिन मूल बिंदु हुआ, क्या था इधर, समय, और ये विस्थापन। ठीक है, समय और विस्थापन ग्राफ हो गया सर, बिल्कुल भाई, मतलब स्टार्ट ग्राफ से ही है।